आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। थ्री टाइप्स की होती हैं। पहली को हम कहते हैं एक एनालॉग कंप्यूटर देते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरे को देते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम ये तीनों को बार बार तीनों को पढ़ेंगे अलग अलग। सो एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट, जो फिजिकल डेटा मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, साउंड, ये क्वांटिटीज जो होती हैं, ये होती है फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। ये इन क्वांटिटीज को इनपुट लेते हैं, और इनको प्रोसेस करने के बाद डेटा आपको जहाँ हमारा रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है हमारा, उसको हमें डिस्प्ले करवाते हैं इस तरह से, एक एक वेव की शक्ल में। इसको एनालॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इसके अंदर जो डेटा है वो वेव की शक्ल में नजर आता है। यानी अगर आप हमने एक कंप्यूटर टेम्परेचर मायर कर रहा है, अगर टेम्परेचर नाप रहा है, तो उसके अंदर जो स्केल मौजूद होता है, उसके टेम्परेचर होता है स्केल के अंदर, वो उसके अंदर डेटा जो प्रेजेंटेशन है वो वेव की शक्ल में होती है। मतलब यानी ये जो वेव ऊपर जा रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर वेव नीचे बढ़ जा रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। इसके पास हमारे पास इसके अंदर एक ग्राफ्स होते हैं, ओके? है, एक स्पीड आपको मालूम करनी है तो इसमें ग्राफ की मदद से स्पीड को मालूम किया जाता है। तो इसकी तरह जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक कंटिन्यूस फॉर्म को, डेटा को जाहिर करते हैं, इस तरह कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इस तरह के कंप्यूटर्स को काफी ज्यादा तादाद में मिलिट्री में, डिफेंस में, वहां पे इस्तेमाल हुए जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो हमें एक कंटिन्यूस डेटा चाहिए होता है, मुसलसल डेटा चाहिए होता है। उसकी वजह से डिफेंस में या फिर मिलिट्री के अंदर ये उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर इस डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। मामले में जो दूसरा टाइप होती है वो होती है डिजिटल कंप्यूटर। दोनों में फर्क ये है कि डिजिटल कंप्यूटर एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स में। जो हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म की बजाय वो डिजिट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बाइनरी फॉर्म में आता है, ओके? और जैसे कि डिजिट वन है, जैसे कि ओके, तो इसकी तरह इसको हम कहते हैं डिजिटल फॉर्म। इस तरह के कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हम लोग जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर को एग्जाम्पल देते हैं, उसकी मदद से हम फिर कुछ जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर है इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हम कोई मौजूदा तौर में डिजिटल कंप्यूटर एग्जाम्पल है, ओके? इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास एक डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 10110, ओके? प्रोसेस करता है 10 के फॉर्म में, जिसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब नॉन कंटिन्यूस, और ये 1 2 3 4 5 6 में भी देता है, ओके? जिसमें थोड़ा सा फिर ये था डिजिटल कंप्यूटर। इसमें जो बाइनरी जो डिजिट हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा ब्रेक आता है, ओके? उसमें अब तो अब हम चलते हैं। ये आपको दोनों लोग समझ आ गए होंगे, एनालॉग कंप्यूटर के डिफरेंस और डिजिटल कंप्यूटर। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर है बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी कर इस्तेमाल करते हैं। अब हम पहुंचते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, अब हम हाइब्रिड कंप्यूटर पे पहुंचते हैं।
हाइब्रिड कंप्यूटर ईसीजी होता है ईसीडी, ओके, ये ईसीजी की तरह कहलाता है, ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। मीन इसमें आपका क्या होता है, आपकी हाई, जैसे कि आपकी वो सब बताते हैं हार्ट बीट, ये कहलाते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो अब हमने ये होता है 99, जैसे कि ये जो आपकी होती है इसमें ये सब बताता है आपका आपका कितना हार्ट बीट हो रही है, ये सब बताता है, वो भी फास्ट मतलब जल्दी में बताता है। ओके, और यहाँ पे ये होता है, और ये फास्ट आपके हार्ट बीट बताता है, आपका हर चीज ये आपका बताते हैं। ओके, और ये है एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, सलाहियत भी होती है, और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसमें एनालॉग और कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में भी की सलाहियत भी होती है। इन कंप्यूटर को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एग्जाम्पल है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर की, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया हाइब्रिड कंप्यूटर, ये एक ईसीजी मशीन है, जो ये डायग्राम है, ये जो व्हाइट वाली है ये कहलाती ईसीजी मशीन, जो हर दिन में नापने में फास्ट और एक्यूरेट, इजली से। ये एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर होता है। इस हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्किंग, थ्री टाइप के आपको मैंने बताया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही।